हेलो एवरीवन, आप जिनका फोटो वीडियो में देख रहे हो, यह राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा मैडम हैं। और आज हम लोग एक एग्जीबिशन में आए हैं जो राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जा रही है। और उस टाइम पे जब मैं गई थी वहाँ पर, तब बहुत ज़्यादा ठंड थी और दिल्ली में कुछ इस तरीके का कोहरा था, और हमको सुबह 6 बजे वहाँ पर बुलाया था। तो आप वीडियो में देख सकते हैं मैं कैसे जा रही हूँ और कितना कोहरा है वहाँ पर। और इसी तरीके की एग्जीबिशन में जाने के लिए हमको स्पेशली आईडी कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं, और उस आईडी कार्ड पर ही हमारी एंट्री होती है, वरना हमें भी एंट्री नहीं मिलती है वहाँ पर। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, यह स्पेशली महिलाओं के कल्याण और उनके शोषण के विरुद्ध एक संस्था है जो महिलाओं के लिए कार्य करती है। और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और जिस एग्जीबिशन में हम गए थे वह 31 जनवरी 2024 को थी, और यह राष्ट्रीय महिला आयोग का 34वीं स्थापना दिवस था। और इस स्थापना दिवस के अवसर पर मैंने वहाँ पे अपनी प्रदर्शनी लगाई थी, और वहाँ पर मेरी पेंटिंग्स और मेरी चीज़ों को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा था। और इस तरीके के राज्य स्तरीय एग्जीबिशन में जाकर मुझे बेहद गर्व महसूस होता है कि एक आदिवासी समाज की बेटी, एक ट्राइबल आर्टिस्ट, भारत की राजधानी दिल्ली में अपने द्वारा बनाए जाने वाली पेंटिंग और हमारे अलीराजपुर ज़िले की सांस्कृतिक वस्तुओं की प्रदर्शनी लगा रही है। तो बेहद गर्व महसूस होता है मुझे। आप सभी को मेरे द्वारा किए जाने वाले आदिवासी सांस्कृतिक कार्य और मेरे द्वारा बनाए जाने वाली पेंटिंग कैसी लगती है, आप मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें, क्योंकि आप बताएंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि मैं किस टाइप से अपना कार्य कर रही हूँ। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वहाँ पे स्टेट लेवल पर एग्जीबिशन लगी थी, और वहाँ पे आप देख सकते हैं तेलंगाना का स्टॉल है, और ये लकड़ी के बने हुए हैं जो भी पेंटिंग्स वगैरह। और ये कोलकाता का, वहाँ पर और भी राज्यों के हस्तशिल्प वस्तुएं थी, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत अच्छी लगी मुझे सबकी वस्तुएं, क्योंकि बहुत मेहनत से और अपने हाथ